गौरव भाई नमस्कार। गौरव भाई, एक तो आपके पास इतना सुंदर और इतनी अच्छी ब्लड लाइन का जो घोड़ा है, इसके बारे में एक बार पूरी डिटेल से और आपका नाम और आपका एड्रेस के साथ बताएं। भाई साहब नमस्कार सबको, मेरा नाम गौरव और मैं रहने वाला प्रॉपर रोहतक का ही गाँव हमारा सारा है अंदर। और ये थोड़ा सा तेज बोलें। और ये हमारा मारवाड़ी घोड़ा है जिसका नाम है सिम्बा। अच्छा, घोड़े का नाम सिम्बा रखा है आपने। ओके। इसकी माँ का नाम था शैडो। इसकी मदर का नाम शैडो। ओके। घोड़ा हुआ है गुजरात में चंदलाज बाग वाला घोड़ा, अपलब घोड़ा। अच्छा जी। आगे घोड़ा हुआ राजसिंगार। अच्छा जी। के बाद हुआ हंसराज। अच्छा अच्छा। बरखाना बोलते हैं इसकी, वो उसका नाना है। अच्छा, माँ की तरफ से ब्लड लाइन है हंसराज, जो बरखाना लाइन है वो इसके नाना, वो इसके नाना हुए। अच्छा जी। घोड़ा हुआ राजस्थान कोटा में, राजस्थान के अंदर। अच्छा। घोड़ा हुआ आगे कन्हैया। अच्छा जी। अच्छा जी। बहादुरगढ़ में सतपाल दलाल, उनके पास वो घोड़ा, अच्छा उसका बाप है। अच्छा, साइड से देवली लाइन हो। ओके, देवली लाइन। अच्छा, जो प्रभात जो ब्लड लाइन है जिसको काफी लोग जानते हैं, तो उस प्रभात लाइन से है ये घोड़ा। ओके। प्रभात टाइम पे रिकॉर्ड प्राइस पे सेल हुआ था, 1 करोड़ 11 लाख का। अच्छा, प्रभात जो सेल हुआ 1 करोड़ 11 लाख रुपए। ओके। अच्छा, 1 करोड़ 11 लाख रुपए का सेल हुआ था वो घोड़ा। ओके, प्रभात लाइन से है ये। ओके। अभी ये 2 दांत हुआ है, इसकी उम्र अभी 23 मार्च को 3 साल हो गए, अभी ये 37 महीने का हो गया। अच्छा, ये 37 महीने का हो चुका है ये अभी। ऑन स्केल 63 हाइट है इसकी। 63 हाइट है। तो नए व्यूअर्स होंगे तो घोड़े को नहीं पता, उनको बता दूं घोड़े की हाइट यहाँ से लेके जहाँ इसका हूफ है खुर। हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ पे ये यहाँ पे हड्डी। हाँ जी, हाँ जी। 63 है अभी। और एज क्या बताई आपने इसकी? 3 साल। हाँ, 1 महीना ऊपर हो गया, 37 महीने का हो गया। इसका बाप 68 है, इसकी माँ 63 थी। अच्छा जी। और जो इसका बाप है वो कौन सी जगह पे है? यहाँ पे बादुरगढ़ के पास गांव है आसोदा। अच्छा, आसोदा के पास। आसोदा के अंदर गांव, प्रॉपर आसोदा। अच्छा, प्रॉपर आसोदा के अंदर ही है। गवर्नर का नाम सतपाल दलाल, जितने भी घोड़े वाले हैं नाम से जानते बॉस। अच्छा जी। अच्छा, घोड़े में जो एक चीज और हमने काफी वीडियो और दोस्तों की देखी है, उनमें क्या होता है कि इसकी कोई मार्किंग वगैरह बताएंगे आप? हाँ, देखो इसको बोलते हैं 2 पैर सफेद हैं इसके। अच्छा जी। अगर ये 4 पैर व्हाइट होते, हाँ जी, तो ये पंच कल्याण होता। ओके। कल्याण मतलब 4 चीज तो ये व्हाइट। हाँ जी, बिल्कुल। पांचवा ये। हाँ जी, कल्याण हो गया। ओके। अगर ये होता 7 जगह से, हाँ जी, सप्तमंगल होता। ओके। तो ये होगी। हाँ जी। एक गर्दन के बाल व्हाइट होते, हाँ जी, वो होता सप्तमंगल। ओके। हाँ, और ये है ब्लेज। हाँ जी। ओरिजिनल ब्लेज वो होगा जो ऊपर होठ पे खत्म हो जाएगा। देखो कि नीचे वाले होठ पे ब्लेज का कोई नाम निशान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये ओरिजिनल ब्लेज है इस घोड़े। ओके। और तो अपना जो घोड़ा है, आपका जो घोड़ा है, ये कौन से 2 पैर व्हाइट पीछे वाले? 2 पैर व्हाइट है। हाँ जी, माथे में ब्लेज है। अच्छा जी, प्योर मारवाड़ी ब्रीड है ये। ओके। देखो इसके कान है ना, अकेला धरती के ऊपर एक ऐसा घोड़ा है जिसके कान अंदर की तरफ कर्व हैं, टच होते हैं। हाँ जी, डिग्री पे घूम सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कानों की जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है। एक एक ब्रीड और भी वैसे तो इंडिया में, काठियावाड़ी। हाँ जी, पर वो क्रॉस करेंगे अपने अपने कान को ऐसे। अच्छा जी। ये टच करेंगे, ये इसका खासियत है इस कान की। पुराने टाइम पे जितने भी युद्ध हुए, बिल्कुल, इसको रात को ये बोर ऑफिस है तैयार किए गए थे जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था युद्धों के लिए। बिल्कुल। रात में कैंप लगा दिया युद्ध के बाद। हाँ जी। ये 2 किलोमीटर के सर्कल फ्रेंच में घूमते रहेंगे ये। अगर बाई चांस हमला हो गया, छोटी से छोटी आवाज कैच कर लेंगे, रडार का काम करते हैं, ये कैंप की तरफ भागेंगे। बिल्कुल। कर देंगे अपने ओनर को, हाँ भाई हमारे ऊपर हो गया, हमला हो गया, हमला हुआ है। ये खासियत इसकी। अच्छा, आपको घोड़ों का शौक यहाँ रोहतक सिटी में रहते हुए कैसे लगा? क्योंकि रोहतक में तो लोग आजकल भैंस और गाय भी रखना छोड़ गए, आप घोड़ा रख रहे हो। घोड़ा भी और साथ में गाय भी। अच्छा, गाय भी आपके पास? हाँ जी। तो घोड़े का शौक पैदाइशी शौक है ये, जेनेटिकली है। आपके पास कितने साल से ये घोड़ा? ये पैदा ही मेरे पास हुआ था 23 मार्च 2020 को, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। उस दिन मेरा सुबह जो 5 बजे हुआ था पैदा। ओके। इसकी माँ तो नहीं रही, इसकी माँ एक्सपायर होगी, फिर ये मेरा अपने पास रखा। तो इसकी मदर को ब्रीड आपने ही करवाया था? नहीं, मैं उसको खरीद के लेके आए थे। ओके। ये देखें भाई, गौरव भाई का बहुत अच्छा घोड़ा तैयार कर रखा है। अच्छा गौरव भाई, एक चीज और बताएं कि इसकी जो हाइट निकलेगी वो कितने साल तक और निकलेगी? मारवाड़ी घोड़ा वो ग्रोथ करता है 5 साल तक। 5 साल तक ग्रोथ करता है। ये लाइन है जो देवली लाइन है। हाँ जी, ये करते हैं 7 साल तक। अच्छा, देवली जो ब्लड लाइन है ये 7 साल तक हाइट ग्रोथ करेंगे।
ये घोड़े मजबूत होंगे, राइडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, 16 ब्रीड है, 16 लाइन है घोड़ों में। जैसे इसके मावर खाना चाहिए, देवली है, एक फूलमाल लाइन है, आलीशान लाइन है, ऐसे एक देवदरबार लाइन है। हाँ जी, ये है, ये राइडिंग के लिए बहुत अच्छे है घोड़े। ओके, हाथ पैर इसके देखोगे ना, रूफ और कितने मजबूत है इस घोड़े के, ये बहुत मजबूत राइडिंग के लिए परफेक्ट घोड़ा है। अगर किसी को राइडिंग के लिए घोड़ा चाहिए ना, तो मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन वो मारवाड़ी देवली लाइन पे, देवली लाइन में बहुत समझदार, कभी काटता ना लात मारता। ये देखें भी आप, कमेंट्स करके बताएं गौरव भाई का घोड़ा कैसा लगा आपको। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतनी एज में और इतनी हाइट का और इतनी लेंथ का घोड़ा और ऐसी मार्किंग। अच्छा, घोड़े में भाई जी आपने बताया कि हमने किसी मेले वगैरह में भी, शो में भी लगाया आपने ये? चरखी दादरी शो में लगाया था। अच्छा जी, अच्छा चरखी दादरी दो मेला लगा था। हाँ जी, और ये फोर्थ भी इसलिए रहा है जो हमने ये दो दांत का कटिंग कर दी है। हां जी बिल्कुल, और बड़े सिर्फ दूध के दांत थे और बड़े घोड़े थे। हां जी, इसलिए भी दो दांत कैटेगरी थी नहीं, दो दांत कैटेगरी नहीं थी। हां जी, हां जी, तो वहाँ आपने दो दांत के अंदर कैटेगरी नहीं थी तो चार दांत में लगा दिया। हाँ, बड़े घोड़ों का वो फर्स्ट आया था। हां जी, अच्छा इसके बाप, हां इसका बाप फर्स्ट आया था वहाँ पे। ओके, ये देखें भाई घोड़े की नेक प्रोफाइल देखें, बहुत ही अच्छा घोड़ा है। और आप कमेंट्स करके भी बताएं घोड़ा आपको कैसा लगा। और गौरव भाई, अगर घोड़ों के बारे में कोई आपसे जानकारी लेना चाहे कि इसकी डाइट के बारे में, या फिर कोई अपनी घोड़ी को गैप इन करवाना चाहे, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दो एक बार आपका। 8168 57 19 62। ओके, जो भी साथी भाई गौरव भाई से किसी भी बारे में, घोड़ों के बारे में जानकारी लेना चाहता है, वो भाई से संपर्क कर सकता है। और घोड़ा बहुत ही अच्छा है। सभी साथियों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।